सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स अंडर दिस अवर फर्स्ट सब टॉपिक इज पैडेगरी एनालिसिस बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से आगे ऑफ स्प्रिंग्स में पास होते हैं जनरेशन टू जनरे जनरेशन अगर कोई डिसऑर्डर या डिसीज पास ऑन होती है तो उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे ठीक है सो नेक्स्ट इज वॉट इज पैडेगरी एनालिसिस पैडेगरी एनालिसिस बेसिकली इज ए काइंड ऑफ जेनेटिक एनालिसिस एंड विच ए ट्रेड इज ट्रेस्ड थ्रू सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली टू डेटरमाइन द हाउ द ट्रेड इज इनहरिटेड ठीक है बेसिकली पैडेगरी एनालिसिस से हम ये पता लगाते हैं कि कोई ट्रेड ट्रेड जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में कैसे पास ऑन हो रहा है कैसा ट्रेड है डोमिनेट है रिसेसिव है एक्सलिंक्ड है वो फर्दर हम करेंगे ठीक है ह्यूमन जेनेटिक्स में बेसिकली हम पैटेगरी एनालिसिस करते हैं बहुत एक स्ट्रॉग टूल है बहुत यूज हो रहा है आजकल इसका हम उससे पता लगाते हैं कि कोई ट्रेट या कोई अब नॉर्मेलिटी डिसीज कैसे पास ऑन हो रही है इसके लिए हम स्पेशल सिम्बल्स यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में सो so, अगर एक स्क्वायर बॉक्स होगा तो वो एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा सर्कल फीमेल को रोमबस सेक्स अनस्पेसिफाइड इतनी समय पता नहीं है जेंडर कौन सा है ठीक है अगर उनमें रेड कलर होगा तो इट मीन्स दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल सो so नेक्स्ट हमारे पास अगर एक स्क्वायर और सर्कल में लाइन है इट मीन्स मेटिंग रही है इट मीन्स दे बोथ आर पेरेंट्स ठीक है अगर डबल लाइन है तो इट मीन्स दे आर रेलेटिव नोन हैं दोनों एक दूसरे से फैमिली में फर्दर uh, अगर नीचे शोर है ऐसे ब्रांचिंग तो वो मीन्स ये ऊपर पेरेंट्स हैं नीचे ऑफ हैं ठीक है नेक्स्ट आप ये समझ गए होगे कि रेड कलर का होगा पेरेंट्स पेरेंट्स जो हैं वो अन हैं लेकिन उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है उसे डिसीज है ठीक है ये अगर रोम्बस में फाइव लिखा होगा तो ऐसे मीन्स फाइव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उन्हें कोई डिसीज नहीं है ठीक है सो और नेक्स्ट टॉपिक इज मैंडेलियन डिसऑर्डर्स बेसिकली हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को uh, दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं एक है मेन्डेलियन डिसऑर्डर्स एक है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स सो बेसिकली वॉट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग ऑन द सेम लाइन्स एज वी हैव स्टडी इन द प्रिपल ऑफ इन्हीटेंस जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इन्हीटेंस में पढ़ा कि ट्रेड कैसे फर्दर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसी तरह ये डिसऑर्डर भी वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आगे ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे पेरेंट्स से ठीक है ऐसे डिसऑर्डर्स को हम मैंडलियन डिसऑर्डर्स बोल देते हैं ठीक है इनमें इनको हम पैडेगरी एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं ठीक है मेन इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं कौन से होते है, हैं मैंडेलियन डिसऑर्डर्स इनमें इंक्लूडेड है हीमोफीलिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेलिमिया कलर ब्लाइंडनेस फिनाइल के टनोरिया ठीक है अब ये जो मैंडली डिसऑर्डर्स होते हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं रिसेसिव भी हो सकते हैं ठीक है एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं एक्स लिंक्ड हेयर मींस दैट कि कोई ऐसे डिसऑर्डर होगा जिनमें एक्स लिंक्ड वो होंगे वो उनमें फीमेल कैरियर होगा ठीक है फीमेल को वो डिसीज नहीं होगी फीमेल कैरियर होगी अः फर्दर वो मेल प्रोजनी में वो डिसीज जो है वो ट्रांसफर करेगी ठीक है फर्दर हम एनालिसिस करते हैं हमारे पास दो पैटेगरीज हैं फ़र्स्ट में अगर देखिए तो हमारी फ़ीमेल अफेक्टेड है ठीक है उसका अनफेक्टेड के साथ पेरेंट फॉर्म हुआ तो हमारे पास प्रोजनी में जो आया वो दो जो थी ऑफ स्प्रिंग्स वो अफेक्टेड आए फर्दर उनकी की इनमें मतलब बेसिकली इस पैटेगरी एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि कोई जो भी डिसऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है वो डोमिनेंट इन नेचर है ठीक है वो एक्सप्रेस कर रहा है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में जा रहा है ठीक है नेक्स्ट पैटेगरी एनालिसिस में अगर हम देखें तो दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं लेकिन प्रोजनी में थोड़े अफेक्टेड आए बच्चे ठीक है तो इट मीन्स ये एक रिसेसिव करेक्टर है ठीक है जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा तभी ये एक्सप्रेस कर पाएगा सिमिलरली इसमें इसमें भी जब हम देखें तो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड हैं, लेकिन प्रोजेनि में अगेन एक अफेक्टेड आया तो इट मीन्स ऐसे करेक्टर्स जो हैं, वो ऐसे में रिसेसिव होंगे ठीक है सो नेक्स्ट हम डिसीज करेंगे वन बाय वन फर्स्ट है हमारे पास हीमोफिलिया हीमोफीलिया बेसिकली एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें अगर हमारे अगर हम एक कोई पर्सन हीमोफिलिक है तो उसके माइनर सा कट भी लग जाएगा ना तो उसकी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड रुकेगा ही नहीं बाहर ही आ जाएगा ठीक है सिंपल कट से भी ठीक so, है सो हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज सेक्स लिंक्ड है रिसेसिव डिसीज है इट मीन्स अनअफेक्टेड फीमेल जो है वो कैरियर होगी डिसीज की और मेल प्रोजिनी में ये पास ऑन करेगी ठीक है Yeah, मैंने आपको बता दिया एक सिंगल प्रोटीन है जो ब्लड ऑफ क्लॉटिंग में यूज होता है वो मिसिंग होता है इनमें ठीक है तो इनमें हाइट्रोजाइगल जो फीमेल होगी वो हीमोफिलिया की कैरियर होगी वो फर्दर ट्रांस ट्रांसमिट करेगी डिसीज अपने सन्स में ठीक है एक फीमेल के हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत रेयर है ऐसा उन केसेस में होगा जिनमें फादर भी हिमोफिलिक होगा और मदर भी कैरियर होगी उनकी प्रोजेन में अगर कोई फीमेल आएगी तो वो हीमोफिलिक होगी ठीक है ये जो डिसीज है की, Victoria, आपने सुना हमारे पास सिकल ये सेक्स लिंक नहीं होती ये रिसेसिव ट्रेट है ठीक है ये भी एक रिसेसिव डिसीज है ठीक है ये तभी ऑफ में पास ऑन होगी अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर होंगे जीन के ठीक है ये डिसीज भी एक सिंगल पेयर जो अलील है वो कंट्रोल करता है एच बी हेयर नॉट हीमोग्लोबिन ठीक है ए हेयर डिनोट्स फॉर द नॉर्मल जीन एंड एस डिनोट्स फॉर द सिकल सेल एनीमिया ही ठीक है तो ये तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों में एस एस आएगा रिसेसिव फॉर्म में आएगा तभी कोई पेरेंट्स जो है वो फर्दर आ, किसी ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होगा ठीक है बेसिकली सिकल एनीमिया क्या होते हैं जैसे हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इस राउंड शेप ओवल शेप में होते हैं सेल एनीमिया में वो, वो ऐसे इलॉन्गेटेड इलोंगेटेड से हो जाते हैं और फंक्शन परफॉर्म जो करते हैं वो अपना ऑक्सीजन कैरी करने का वो अच्छी तरह से वो नहीं कर पाते ठीक है बेसिकली रीज़न क्या है ये डिसीज होने का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में है उनमें ये कोडिंग होगी ये कोडिंग प्रोसेस होकर हमारे पास एसिड सिक्स पोजीशन पर बनेगा पेप्टाइड चेन में लेकिन जब सिकल एनीमिया हो जाएगा तो इनकी सिंगल एक बेस पेयर में चेंज होने के कारण यहाँ पर कोडिंग होकर वेलिन जो जो है हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड चेन में ठीक है बस एक सिंगल से इतने से चेंज होने के कारण हमारे पास सिक्कल एनीमिया डिसीज हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास फिनाइल गिटन हो रही है ये इनबॉर्न ही बच्चे में जन्म से ही एक मेटाबॉलिज्म में एक डिसीज होती है ये भी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है ठीक है इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स में एक जो है हमारे पास एंजाइम वो लैक करता है वो एंजाइम होता नहीं जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलेन को टायरोसिन में चेंज करता है वो होता नहीं है ठीक है एज अ रिजल्ट फिर होता क्या है फ़िनाइल एलेन अगर चेंज नहीं होगा टायरोसिन में तो वो अक्यूमुलेट होता रहेमुलेट होता रहेगा बॉडी में तो फिनाइल एल फर्दर क्या बन जाएगा फिनाइल पारोविक एसिड बन जाएगा और डेरिवेटिव्स बना जाए बना देगा तो ऐसे जो डेरिवेटिव्स बनेंगे वो ब्रेन में जाकर एकट होंगे तो बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में अक्यूमुलेट होंगे ठीक है यूरिन में भी आएंगे एज वो किडनी में होंगे एक्यूमुलेट ठीक है तो ये बेसिकली करता क्या है मेंटल रिटार्डेशन करता है बॉक बाकी बॉडी फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है वो अब नॉर्मेलिटीज़ शो होने लगती है फिनाइल कोटनोरिया में बेसिकली ठीक है सो नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब हमारे पास या तो क्रोमोजोम्स एक्सेस में हैं या फिर कम है या फिर उनकी अरेंजमेंट जो है वो अब तरीके से हुई हुई है ठीक है बेसिकली एनियोप्लाइडी हमारे पास क्या होता है जब सेल डिवीजन के टाइम पे ठीक है क्रोमोजोम में नंबर में जा तो इंक्रीज हो जाए या फिर लॉस हो जाए ठीक है अच्छे तरह से सेल डिवीजन ना हो पाए ऐसे हम केसेस में क्या बोलते हैं कि एनियोप्लाइडी होगी हमारे पास ठीक है फॉर एग्जांपल हम डाउन सिंड्रोम की बात करें डाउन सिंड्रोम हट इज़ अ डिसीज़ ठीक है जिनमें क्या होता है क्रोमोजोम ट्वेंटी की जो है कि एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है बॉडी में ठीक है एक्स्ट्रा आ जाते हैं क्रोमोजोम नंबर वन पे ट्वेंटी वाले ठीक है टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है वैसे फीमेल्स में क्या होता है टू क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम लॉस कर जाता है ठीक है ह्यूमन फीमेल्स में तो उन्हें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है ठीक है फेलियर ऑफ डिवीजन रिजल्ट एंड इंक्रीज इन हो जब ये इंक्रीज होगा ठीक है जब नंबर इंक्रीज होगा ठीक है तब ऐसे केसेस में हम उसे कहेंगे दैट दस फोनोमना एज पॉलीप्लॉयडी ठीक है ये प्लांट्स में बहुत देखने को मिल जाता है पॉलीप्लॉयडी जब साइटोकनाइसिस के टाइम टीलोफेस के सेल डिवीजन हो रही है तो नंबर इंक्रीज कर जाए क्रोमोजोम का ठीक है ऐसे हम केसेस को बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी अगर हम ह्यूमंस की बात करें ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं अगर पेयर पेयर पेयरिंग करके देखें तो हमारे पास ट्वेंटी थ्री पेयर्स बन जाते हैं उनमें ट्वेंटी टू पेयर्स कौन से होते हैं ऑटोजोम से हमने पढ़ा और एक पेयर कौन सा होता है सेक्स क्रोमोजोम का जिससे हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है ठीक है तो होता क्या है इन्हीं में फर्दर एडिशन हो जाती है किसी क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है या फिर कोई क्रोमोजोम लैक कर जाता है ठीक है इसी इन्हीं सिचुएशन के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लाइन सिंड्रोम जो है वो आ जाता है ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ठीक है ये हम स्टडी करेंगे फर्दर फर्स्ट हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है बेसिकली डाउन सिंड्रोम में होता क्या है एक जेनेटिक डिसीज है जिनमें ट्वेंटी वन क्रोमोजोम जो है उसकी एक एडिशनल कॉपी होती है ठीक है ये डिसऑर्डर को फर्स्ट डाउन ने 1866 में डिस्क्राइब किया था तो उसी के नेम पे हम डाउन सिंड्रोम बोल देते हैं डिसीज को ये उनके अफेक्टेड इंडिविजुअल के हैं कि वो शॉर्ट सर्च होंगे उनका हेड स्मॉल होगा राउंड होगा ठीक है ओपन माउथ थोड़ा खुला रहेगा पार्शली ठीक है ऐसे उनमें होंगे तो mentally, mentally होंगे, वो मेंटली बेसिकली मेंटली रिटार्डेड होंगे फिजिकली साइकोमोटर वो एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे हाथ में कोई चीज अच्छे तरह से होल्ड नहीं कर पाएंगे ठीक है मेंटली

होगा क्या उनमें इंडिविजुअल में क्या होगा मस्कुल डेवलपमेंट तो होगी लेकिन थोड़े उनमें फेमाइन करैक्टर्स भी आ जाएंगे ठीक like like uh, है लाइक लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी उनमें ठीक है बट ऐसे इंडिविजुअल वो जो हैं स्टेराइल होते हैं फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ये ठीक है सो लास्ट so है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम्स में क्या होता है कि एक एक्स जो है वो एबसेंट होता है वैसे फीमेल्स में दो एक्स एक्स होते हैं उनमें क्या होता है एक एक्स प्रेजेंट ही नहीं होता एक्स ओ हम लिख देते हैं ओ हेयर रिप्रेजेंट्स मीन एबसेंस वो नहीं है फोर्टी फाइव क्रोमोजोम्स होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स में ठीक है ऐसे फीमेल्स भी स्टेराइल होती हैं फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ठीक है उनमें बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं वो नहीं होते वो लैक करते हैं तो ये थे हमारे पास क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया ओके थैंक यू